नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में दिव्यांग ई रिक्शा ड्राइवर चालक पूछे कलेक्टर की जनसुनवाई में कलेक्टर से करी शिकायत। दिव्यांग जनों का कहना है कि प्रशासन द्वारा जो रूट दिया गया है उसके निर्धारित के हिसाब से हम चाहते हैं कि हम रोड वाइज नहीं पूरे इंदौर में हम गाड़ी चलाएं और रूट नहीं करना पड़े। बीते दिनों प्रशासन ने ई रिक्शा विकल्प को परमिट देने के आदेश जारी किए थे। ई रिक्शा व्हीकल चालक का परमिट के हिसाब से गाड़ी इंदौर में चला सकेंगे। इसको लेकर आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय में दिव्यांग ई रिक्शा ड्राइवर ने कलेक्टर को आवेदन दिया और उन्होंने कहा है कि हम पूरे इंदौर में बिना रूट के गाड़ी चलाएंगे। वहीं कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि दिव्यांगों का एक आवेदन आया है और उसमें सड़क सुरक्षा समिति की 2 फरवरी को बैठक है और उसमें जो भी निर्णय होगा इसका निराकरण किया जाएगा। जो ई रिक्शा चलाते हैं उनके द्वारा अप्रोच किया गया है कि जो रूट्स की बात हो रही है उस अलग शहरों में ई रिक्शा के, और इसके लिए उनको पालन न करना पड़े और पूरे सिटी का उनको परमिट दिया जाए। इस संबंध में आगामी जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 2 तारीख को होगी उस पर हम लोग इस पर वो करेंगे, चर्चा करेंगे और एक विधिवत निर्णय लिया जाएगा। उनको ये भी प्रस्तावित किया गया है उनका जो सबसे नज़दीकी रूट हो उसका चयन वो कर सकते हैं जिससे कि उनको अधिक समस्या का सामना न करना पड़े और जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होगी उसमें इसका अंतिम निर्णय लिया जाए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।